हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो आज हम बहुत कुछ करने वाले हैं, मतलब कार चलाने वाले हैं, बिजनेस करने वाले हैं और बहुत कुछ करने वाले हैं। तो आज हम खेलने जा रहे हैं द कार फॉर सेल सिमुलेटर 2023। तो ये गेम अभी बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक पे चल रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना खेली जाए। तो इसमें सीधी सी फंडा है, सेकेंड हैंड कार खरीदो, उसको मॉडिफाई करो, उसको चलाओ और उसको बेच डालो, सीधा साधा बिजनेस। और इस गेम में हमारा एक छोटा सा शोरूम भी है कार का, जिसका हम अभी नाम रखने वाले हैं। तो गाइस, ये गेम अभी स्टीम में बहुत ही कम प्राइस में चल रहा है, इसका ऑफर चल रहा है, तो जल्दी से जल्दी इस गेम को क्लेम कर लो। तो आज का गेम ना बहुत मजेदार होने वाला है, तो चलो शुरू करते हैं। ये हो गया हमारा गेम स्टार्ट और मेरी आंखें खुली ऐसे। वेलकम टू कार सिमुलेटर फॉर सेल 2023। यस, ये हमारा शोरूम है। बहुत अरे ये क्या पड़ा है, पूरा कचरा पड़ा है चारों तरफ। हमने सालों से अपना शोरूम नहीं खोला, ठीक है, तो चारों तरफ कचरा पड़ा हुआ है, हमें ये साफ करना पड़ेगा एक एक करके। ये गया, ये कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी हो जाएगा, तुम्हारा भाई फटाफट कर देगा ये। ये गया, ये गया, ये भी गया, चलो हो गया। अब हमारा शोरूम ओपन करना पड़ेगा, हम इसे बाहर नहीं जा सकते अभी। ओके, हमारा शोरूम ओपन हो गया। हमारे पास $7,500 पड़ा है बस, ठीक है, इसमें हमें सब कुछ करना है। ये रही हमारे डेस्क, इसमें पहले तो मेरा शोरूम का नाम चेंज करूँगा, ठीक है, सॉरी। ओके, शोरूम का नाम क्या रखी जाए, मेरे दिमाग में एक नाम तो आ रहा है बहुत मस्त वाला, कबाड स्टोर। यस, दिस इज द बेस्ट नेम फॉर मी, ये नेम रखूंगा भाई, ये बहुत मस्त लग रहा है। कलर थोड़ी, चलो हो गया। डिजाइन नहीं भाई, अभी डिजाइन पे खर्चा नहीं करूंगा, अभी हमें बिजनेस करना है, ठीक है, ये सब बाद में करेंगे, अभी चलते हैं। यहाँ पर एक चीज़ है, नेवरहुड, यानी कि गांव या सिटी बोल सकते हैं, वहाँ पर जाएंगे और कार खरीदेंगे। पहले आ गए हम नेबरहुड पे, हमारे पास अरे अच्छा अच्छा $10 का हमने नाम चेंज किया था, तो अभी हमारे पास पड़ा है $7,480 सॉरी। इतने में हमें कार खरीदना पड़ेगा भाई सेकेंड हैंड। चलो देखते हैं, सस्ती सी कोई गाड़ी मिल जाए तो बहुत बढ़िया। ओ भाई साहब, ये ऑडी खड़ा है, देखो इसका भाई बहुत प्राइस मांगेगा ये। छप भाई, मेरे औकात से बाहर है, मतलब बहुत ही बाहर है, साइड में भी नहीं है, बहुत बाहर है। ये वाला मुझे शायद थोड़ा सा सस्ता लग रहा है, ट्राई करके देखते हैं कितना दे रहा है। अबे यार, इसमें 17,000 वाली क्या बात है, इस गाड़ी में, ये गाड़ी का प्राइस 17,000 है क्या है इसमें भाई साहब। ये भी ऑडी का भाई, भाई इस तरह के गाड़ी के ऊपर नज़र भी नहीं डालनी चाहिए इतना पैसा लेकर जेब में, ठीक है। अभी कोई सस्ता सा गाड़ी चाहिए हमें, $1,000-2,000 का भाई, उसमें हमारा काम चल जाएगा। ये गाड़ी बेच रहा है, ओ भाई साहब, भाई BMW का है, इसमें हमें देखना भी नहीं चाहिए अभी, ठीक है। तो ये एक सस्ती सी कार मुझे लग तो रही है, एक बार बार्गेनिंग करके प्राइस पूछ के देखते हैं। बार्गेनिंग अभी हमारा ओपन नहीं हुआ है, ठीक है, वो हमारा धीरे धीरे करके अनलॉक होगा। कितना प्राइस पूछते हैं, ओके ये $2,200 का है, ठीक है, ये हम ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक बार घूम के देख आते हैं और कौन कौन सी गाड़ी है यहाँ पर। ये भी एक सस्ता सा गाड़ी लग रहा है मुझे, ये कौन सी गाड़ी है समझ में नहीं आ रहा, ओके शेवरलेट, मैंने सोचा था शेवरलेट का कोई गाड़ी होगा भाई, ये तो बहुत महंगी है भाई छोड़ो इसको। सामने कुछ और गाड़ी मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मुझे शायद से लगता है वो वाला गाड़ी जो था $2,200 वाला, वो हमें खरीद लेना चाहिए, ठीक है, पहले तो थोड़ा बहुत कमा लेते हैं, फिर बाद में देखी जाएगी। तो इससे हमारा अभी बार्गेनिंग ओपन नहीं हुआ है, ठीक है, तो वो ओपन होगा स्किल पॉइंट से खेलते खेलते। तो अभी हमें फास्ट कार से ऐसे ही जो बोलेगा उससे ही खरीदना है भाई। आवाज है गाड़ी का, ओए ओए
छुप जाता अभी, छुपना नहीं है कभी पर भी, नहीं तो डैमेज हो जाएगा और मेरा खर्चा बैठ जाएगा। अभी शोरूम पे जाना है यानी कि हमारा ऑफिस में। भाई साहब गाड़ी का साउंड बहुत मस्त है यार, इसका थोड़ा बहुत तो डैमेज है, इसको पहले रिपेयर सेंटर भेजते हैं, इसको थोड़ी बहुत रिपेयर की ज़रूरत है। इससे बात करता हूँ, देर इज नो प्रॉब्लम विद द कार। ओके ओके, इस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पैसा बच गया भाई। भाई इस गेम में ना गाड़ी चलाना थोड़ा बहुत मुश्किल है भाई, वैसे तो मुश्किल है। ओके हमारा शोरूम में पहली कार आ चुकी है यहाँ पर, बहुत मस्त लग रही है। देखो ये हमारा पहली कार है, ठीक है। इसका अभी प्राइस ड्रॉप करते हैं, ठीक है, नहीं तो ये कैसे बिकेगी। ओके ये पेजट 504 क्लासिक, ठीक है। तो इसको हमें ख़रीदा 2200 रुपये में और इसमें कोई एक्सपेंस चार्ज नहीं लगे, तो इसका प्राइस हम रखेंगे 2800। हाँ ये ठीक है, 2800 प्राइस रख दिया इसका। अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कस्टमर जब तक आएगा। ओ इतने सारे कस्टमर एक साथ, भाई सही प्राइस दे देना भाई, हमारा पहली कार ये बहुत मस्त कार है। मैडम जी आ जाइए, क्या चाहिए आपको, मतलब ये कार तो चाहिए लेकिन क्या प्राइस दोगे आप। ओ 2800 पे मान गए भाई, चलो बिक गई फर्स्ट कार बिक गई हमारा और रात भी हो गया, चलो फर्स्ट कार बिक गई हमारा। ओके अभी हम शोरूम ऑफ करने वाले हैं, ठीक है, शोरूम ऑफ कर दिया और हम अभी चलते हमारे घर में, यानी कि घर नहीं है हमारा कंटेनर है, ठीक है, हम कंटेनर में रहते, इतना गरीब है हम, इस कंटेनर में रहते हैं हम, देखो इस कबाड़ सी कंटेनर में हम रहते हैं, इतना गरीब है हम। गुड मॉर्निंग गाइस। ओके हमारा नेक्स्ट डे ओपन हो चुका है, अभी हम सीधा चलेंगे हमारे नेवरूट में, ठीक है, क्योंकि शोरूम में तो कार नहीं है, हमें कार खरीदना है तो सीधा नेवरूट पे चलेंगे। ओके हमारे पास $8,000 है, तो देखते हैं कौन सी कार हमें मिलती है। ऑफिस इज रियली डर्टी, द कार मार्केट प्लेस इज ओपन। भाई कार मार्केट प्लेस में कार बहुत ही महंगा बिकता है, लाख दो लाख का तो वहाँ पर स्टार्टिंग होता है गाड़ियों का, तो वहाँ पर इस टाइम जाने का कोई फ़ायदा नहीं है हमारा। भाई ये कौन सी गाड़ी है, माउस का सेंसिटिविटी का अब ठीक है। ओके ये गाड़ी मुझे थोड़ा सा सस्ता लग रहा है, पूछता है इसका प्राइस क्या है। ओके फीएट 500 मिनी, ओ 14,000 प्राइस है इसका, पागल वागल है क्या तू, ये 14,000 का गाड़ी है भाई, देखो पिद्दी सा गाड़ी चूहे का जैसा, ये 14,000 का पागल वागल है, फट जाते फालतू की बात कर रहा है। मुझे शायद से कोई, ओ यहाँ पर एक और गाड़ी है, ये भाई इसमें बहुत स्पॉइलर वॉइलर लगा हुआ है पीछे भाई, इसका प्राइस शायद से मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, एक बार पूछ कर देखते हैं। भाई ये 7,000 का, 7,400 का है, लेकिन ये गाड़ी बहुत बढ़िया है भाई, मुझे लगता है ये बिक जाएगी आसानी से। ओके ये कार हमारा अच्छे से, हाँ ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, चलो क्या कार है यार, ये तो चल ही नहीं भाई, इसके स्पीड तो है, स्पीड तो है इसमें, भाई घटिया कार है यार, घटिया कार है एकदम। ओए ओए नहीं क्या लिफ्ट मारा मैंने, नहीं नहीं भाई कार का साउंड बहुत मस्त है, कार का साउंड बहुत मस्त है भाई, 7,000 की कार है, $7,000 की, ऐसी वैसी थोड़ी है। ये देखो ड्रिफ्ट ऐसे मारी जाती है ड्रिफ्ट, अगर सोचो अब मेरे हाथ में अगर सुप्रा या लैम्बो या BMW आ जाए तो मैं क्या करूंगा दवाई। भाई यहाँ पर सुप्रा भी चलती है भाई, सुप्रा भी है इस गेम में, खरीदेंगे जरूर खरीदेंगे, सुप्रा भी खरीदेंगे, उससे पहले हमें थोड़ी बहुत पैसा कमा लेनी पड़ेगी, उसके बाद ये गाड़ी मैं सोच रहा हूँ ना, मेरे पास उतना पैसे भी नहीं है, इसको मॉडिफाई नहीं कर सकता मैं। हाँ भाई, ओ भाई साहब
1520 का रिपेयर चार्ज लग रहा है, मेरे पास उतना है भी नहीं। पूरा फंस गए भाई, पूरा फंस गए भाई, हमारे पास रिपेयर का चार्ज भी नहीं है। हमें इस गाड़ी को ऐसे ही बेचना पड़ेगा, क्या दिक्कत है यार। ओए नहीं, अरे अंधा है क्या तू, ठोक के चला गया। फालतू की भाई, ये गाड़ी मुझे बहुत महंगा पड़ेगा लगता है। शिट यार, ये हमने खरीदी 7400 डॉलर की, तो ये हमें, भाई ये छोड़ दूंगा मैं, ये इससे प्रॉफिट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये कार वैसे ही डैमेज थी, रिपेयर भी नहीं कर सका हमने, उसके ऊपर एक गाड़ी ने ठोक भी दी। तो ये हम रखेंगे ओनली 8000 डॉलर। चल भाई, ये बिक जा भाई, ये बिक जा, ये इससे मैंने मेरे को प्रॉफिट नहीं चाहिए, तो बिक जा प्लीज, मेहरबानी है तेरे पे, खरीद ले, देख के तो अमीर घर की लग रही है तू। हाँ यस, मुझे थोड़ी और प्राइस बढ़ा देनी चाहिए थी क्या? नहीं भाई, इसका प्राइस हम डालेंगे थोड़ा सा ज़्यादा, इसका प्राइस हम डालेंगे 8600 डॉलर में। भाई इस गाड़ी का लुक्स तो बहुत बढ़िया है भाई, पुराने ज़माने का कोई गाड़ी है, स्पॉइलर वॉयलर मस्त लगा हुआ है पीछे, बहुत मस्त गाड़ी है, लेकिन कस्टमर नहीं है अभी तक। प्राइस ज़्यादा डाल दिया क्या भाई? इस गाड़ी में पूरा लॉस हो गया मेरा, पूरा लॉस हो गया मेरा। ओके एक कस्टमर आया, दादी जी आपके पास पैसा है ना? मैं बार्गेनिंग नहीं कर सकता, आपके पास पैसा है ना? पूरा पैसा दोगे ठीक है? चलो पूरा पैसा दो। हाँ ये ले रहा है, ले रहा है, ले रहा है, चलो। ओह गाड़ी बिक गई भाई, ठीक है अभी चलते नेबरहुड में गाड़ी खरीदने। उससे पहले हमारा स्किल पॉइंट नहीं अनलॉक हुआ भाई, नेवर रोड पे चलते और एक कार खरीदने के लिए। आज का कमाई बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन एक गाड़ी ने मेरा हमारा नुकसान कर दिया। ठीक है कोई बात नहीं, चलता है बिजनेस में ऐसा। ये शायद से वॉल्क्सवैगन का है, शायद से पता नहीं मुझे। हाँ वॉल्क्सवैगन, उल्टी सीधी नाम लिखा हुआ है यहाँ पर गेम में। ओके ये वाला एक सस्ती सी कार मुझे दिखाई दे रहा है ये वाला शायद से हम खरीद सकते हैं, देखते हैं। 2000 का ओनली, बाय बाय बाय, सीधा बाय। तो इसको हमें भेजते हैं टो करके रिपेयर सेंटर में, और एक कार देखते हैं यहाँ पर। अबे रुक जा, इतनी जल्दी है सबको यहाँ पर? ये वाला भाई, ये मस्टैंग है क्या? नहीं BMW है। ओके ये भाई ये हम नहीं खरीदने वाले, इसका प्राइस बहुत ही हाई होगा, एक बार पूछ के देखते भाई। नहीं भाई बहुत सस्ता है, लेकिन हमारे पास उतना है नहीं। ओके यहाँ पर एक सस्ती सी कार है, देख इसका। अच्छा यही वाला कार शायद से हमने खरीदा कुछ देर पहले, तो मुझे लगता है ये वाला कार हमें खरीद लेना चाहिए। 2000 में दे रहा है वो, 2000 100 डॉलर ज़्यादा ले रहा है भाई। इस गेम में अचानक रात क्यों हो जाती है? ओके तो हमारा कार रिपेयर सेंटर खुला है क्या? हाँ खुला है, पता लगा मेरा गाड़ी छोड़ के भाग गए सब। मैंने सही सोचा था, सब लोग भाग ही गए थे, मेरा गाड़ी सिर्फ अकेला यहाँ पर पड़ा है भाई क्या लोग है यार भाई, गाड़ी डैमेज है बहुत ज़्यादा, इसको रिपेयर करना ज़रूरी है। लेकिन अभी हम कुछ नहीं कर सकते, अभी हम इस कार को लेकर हमारा कंटेनर में जाएंगे, ठीक है? 10 डॉलर बचेंगे हमारा। अरे कंटेनर इस तरफ है क्या? ठीक से याद नहीं, इस तरफ ही है शायद से। गाड़ी मस्त तो है, बहुत बढ़िया। सुबह देखते हैं इसको, चलो सो लेते। गुड मॉर्निंग गाइस। ओ भाई साहब, मैंने सारी रात कार का इंजन ओपन रख दिया था। ओके नए दिन में नया नया कार आया हुआ है, तो इसको हम एक काम करते हैं, इसको हम भेज देते हैं टो करके। चलो ये क्या है, टूटा पड़ा है या क्या है, समझ में नहीं आ रहा। कौन से फोर्ट का गाड़ी है क्या? शायद से फोर्ट को लॉट बना दिया क्या? 8000, मेरे पास 8000 है नहीं।
तो तू यहाँ से निकल। जब मेरा बार्गेनिंग ओपन हो जाएगा तेरे से आके ये गाड़ी खरीदूंगा मैं, ठीक है? याद रखना मेरे को, क्योंकि वही वाला कार है लेकिन ये बहुत ज़्यादा डैमेज है शायद से। कितना मांग रहा है? 6,500 रुपया। जब पिछले बार मेरा बुरा फंस गए थे, मेरा रिपेयर करने के पैसे भी नहीं था, तो इतना महंगी कार मैं नहीं खरीदने वाला, ठीक है? थोड़ा सा सस्ता कार खरीदेंगे। हाँ, ये वाला एक सस्ता कार है। हाँ, ये वाला कार हमने खरीदा था एक बार, पूछते हैं इसको। बोल भाई, 2,200। हाँ, ये तो डैमेज कितना है? 2,200, ठीक है, खरीद लेते हैं। चलो, और कुछ नहीं मैं खरीदूंगा। अब चलते हैं शोरूम में। भाई, हाथ में पैसा रखना बहुत जरूरी है, ठीक है, इस गेम में। ओए ओए ओए, ये बात। ओए नहीं भाई, बहुत ज्यादा डैमेज हो गया, बहुत ज्यादा डैमेज हो गया। हमारा स्किल पॉइंट ओपन हो चुका है, हम अभी स्पॉन्ज को ओपन करेंगे। चल भाई, इसको ठीक कर दे। 300 रुपये, $300 लगेंगे। चल ठीक है। और इसमें क्या लगेगा? इसमें लगेगा $400। ठीक है, ठीक कर दे। चलो, इसको रिपेयर होने के लिए भेज दिया हमने। अभी हमारा स्किल पॉइंट ओपन करना है, ठीक है? तो ये रहा स्पॉन्ज और ये अनलॉक। ठीक है, हमारा अभी स्पॉन्ज ओपन हो गया है। हम खुद से गाड़ियाँ सर्व कर सकते हैं और स्किल पॉइंट इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है? बहुत बढ़िया। और ये देखो हमारा कवार स्टोर। और पता नहीं भाई, एवरी डे यहाँ पर कौन कचरा फेंक के जाता है, ये मुझे बताओ, कौन फेंक के जाता है कचरा? मेरा मेरे शोरूम में ही मिला है क्या कचरा फेंकने के लिए? हम थोड़ा बहुत मॉडिफाई करेंगे इसमें, ठीक है भाई? ये कार ओपन है, मैं कार ओपन छोड़ देता हूँ। ओके, इसमें थोड़ी बहुत मॉडिफाई करते, ठीक है? थोड़ी बहुत मॉडिफाई कर लूँगा तो भाई महंगा बिकेगा, ठीक है? इसका कौन सी कलर करवाई जाए? रेड अच्छा लगेगा यार। हाँ, रेड तो मस्त तो लग रहा है बहुत। हाँ, ये वाला हो गया काम, बहुत मस्त लग रहा है कार अभी। वाओ, इसको शोरूम में सेल पे लगा देते, उसके बाद दूसरा वाला कार ले आएंगे, उसको भी मॉडिफाई करेंगे, ठीक है? ओके, इसका प्राइस है 2,200 में मैं खरीदा, 600 रुपये एक्स्ट्रा लगाया, यानी कि 2,900 रुपये मान के चलते, ठीक है? तो इसको लगाऊंगा मैं 3,000, नहीं, 4,000 का लगाऊंगा मैं, 4,000। बेस्ट कार फॉर यू। अब चलते दूसरी कार को लेने। रास्ता पार देखना भाई बहुत जरूरी है, ये यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जितने भी ड्राइवर हैं, सब पागल है, ठोक वोक के चले जाते हैं। ये गाड़ी भी बहुत मस्त, ये ब्लैक अच्छा लगेगा शायद से, ब्लैक करवा लेते हैं। इसका कलर रखूंगा पूरा ब्लैक। यस, नहीं, ब्लैक पॉलिश। ओ भाई साहब, बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ, ये ठीक है, 300 पे काम हो गया। चलो जी। ओ भाई साहब, ये क्या लग रहा है? देखो गाड़ी क्या लग रहा है भाई, क्या लग रहा है गाड़ी। ओ, इसको तो मैं 2 लाख पे बेचूंगा भाई साहब, ये गाड़ी बहुत मस्त लग रहा है भाई, एकदम क्रोम फिनिश, ब्लैकिश क्रोम। भाई, कस्टमर आया, ठोक तू क्या इस पे? भाई, गाड़ी के अंदर से निकल गया, भूत भूत है क्या तू? भाई, भूत आया हमारे शोरूम में। इसमें लगाया हम 2,700, 2,700, 2,600 रुपया, तो ठीक है, ये भी 4,000 में लगा देते हैं, 4,200, 200 में लगा देते हैं। चलो, 4,200। बेस्ट कार, कैफ, बेस्ट कैट, बेस्ट कार।
चलो हो गया काम भाई। गाड़ी क्या लग रहा है देखो, उससे पहले हमें गाड़ी को साफ करना पड़ेगा, नहीं तो इसका प्राइस नहीं उठेगा भाई। ये कस्टमर नहीं राजी होंगे इतने दाम में। जितना ज़्यादा साफ करूँगा उतना ज़्यादा प्राइस मिलेगा, उतना ज़्यादा कस्टमर आएगा शोरूम में। पूरी तरीके से साफ करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तभी इसका अच्छे से प्राइस मिलेगा हमें। यहाँ पर दो कस्टमर है, ये क्या दे रहे थे 2,700? भाई नहीं यार, बहुत कम है, इसे तो मैंने खरीदा। ये बिजनेसमैन लगता है, तू पैसा देगा क्या? 2,500 भाई बहुत कम है। भाग, और एक आ रहा है, और एक आ रहा है। सारा 200 में मैंने प्राइस लगाया, ये दे रहा है 2,300 भाई। इससे ज्यादा मेरी खरीदी है मैंने, भाग यहाँ से। आप बोलिए पहले, 4,000 रुपये मैंने इसका प्राइस रखा है, 2,900 रुपये भाई बहुत कम है, 200 रुपये प्रॉफिट। रुक जा तू पहले, 2,900, ये भी 2,900। रुक तू, इससे पूछ के देखते हैं एक बारी। 2,700 भाई, तू तो बहुत ज्यादा कम है। आप बोलिए, आप बोलिए, कहाँ जा रहे हैं आप? अरे रुक जाइए, अरे घर जा रहा है क्या आप? दे दो भाई 2,900 भाई, इससे ज़्यादा मुझे नहीं मिलेगा शायद से। मुझे बार्गेनिंग जल्दी से जल्दी ओपन करना पड़ेगा। 2,700 भाई, तू दे दे भाई, तू सबसे ज़्यादा दे रहा था। हमारा 2,200 और 600, 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ भाई। चलो ठीक है, बेच देते हैं, चलो। ओके एक कस्टमर आया है, रुक जा, रुक जाइए भाई, पहले इसको साफ कर दूँ, नहीं तो पैसे नहीं दोगे मेरा। हाँ अब ज़्यादा पैसे दो आप, बोलिए। अरे भाई इतने के तो मेरा खुद भी नहीं पड़ा खरीदने में। क्या भाई, आप तो शायद बहुत बड़े आदमी लग रहे हो, पैसा वैसा है आपके जेब में? अभी हम बार्गेनिंग कर सकते हैं, ठीक है, इसको अनलॉक कर लेते हैं। चलो अभी हम बार्गेनिंग कर सकते हैं। ओके क्या बोल रहा है, कितना दे रहा है ये? 2,600 भाई, बार्गेन करते इससे 3,200 दे भाई, 3,200 चाहिए मेरे को, दे। नहीं भाई ये, भाई तू हट यहाँ से, 2,100 भाई, ये तो बहुत कम दे रहा है, ये तो ठीक फिर भी दे रहा था, तेरे को नहीं बेचना, कर तू भाग यहाँ से। तू एक काम कर, तू 2,900 दे दे मेरे को, 2,900 दे दे। अरे यार तू भाग यहाँ से, एक पैसे भी नहीं बना रहा। चल इतना मेहनत कर रहा हूँ मैं, कंटेनर में रह रहा हूँ, तेरे को कहाँ गया? कंटेनर में रह रहा हूँ मैं, तेरे को पता है घर भी नहीं है मेरे पास। ये तो भिखारी है शायद से। नहीं, कितना देगा ये? 2,500 भाई, ये तो इससे भी कम है, तो बार्गेनिंग करके 3,000 करते हैं। देख 3,000 नहीं देगा ये, मैं पता है मेरे को, 3,000 नहीं देगा, 3,000 नहीं देगा ये, 2,800 देगा क्या? नहीं यार ये नहीं बना रहा। महंगी कार में अगर मॉडिफिकेशन करूँ तो उसका प्राइस डबल से भी ज़्यादा चली जाती है, लेकिन सस्ती कार में ऐसा नहीं होता भाई, इसको मॉडिफाई करके कुछ फ़ायदा नहीं हुआ मेरा। ओके एक कस्टमर आया, एक कस्टमर आया भाई, इस पे भाई तू तू सही प्राइस दे दे भाई, ये तेरे को तेरा गाड़ी तेरा हो जाएगा, तू बस सही एक प्राइस दे दे। 3,500 डॉलर का मैंने डाला था, 2,600 भाई बहुत कम है, तो 3,000 देगा क्या मेरे को? 3,000 देगा क्या? दे दे भाई प्लीज। नहीं यार मैं लॉस करने वाला हूँ इस गाड़ी में, ये पक्का है ये। ओके ये कितना दे रहा है प्राइस? 2,600। ओके ये थोड़ा सा तो ज़्यादा दे रहा है, तू एक काम कर, तू 3,000 कर दे, 3,000 कर दे।
बिक जा नहीं यार, नहीं बिका नहीं बिका, 2600 भाई तू जा, 2600 ले और एंजॉय कर भाई, मेरा पूरा लॉस हो गया लेकिन ठीक है चलो सेल कर दिया। ओ भाई साहब रात भी हो गया और ऑफिस भी बंद करना पड़ेगा, ठीक है हमारे शोरूम में अभी कोई कार नहीं है। तो गाइस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताओ, अच्छा लगा तो लाइक करो शेयर करो, अब कमेंट नहीं करते जरूर से कमेंट करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई दूसरी गेम लेकर, तो तब तक के लिए बाय बाय।